बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करने लगे हैं 6.6। ये पेज 135 पे है। तो क्वेश्चन नंबर वन, उसके चार पार्ट्स हैं। मैट्रिसेस लिखी हुई हैं, 3-1, 2-1, x, y, 0, 5। और कहते हैं इनको मसावात यानी कि इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें। अब आपको याद है ना कि अगर एक्स ऊपर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो इक्वेशन बनती थी उसमें एक्स का वेरिएबल पहले आता था। तो अगर एक्स का वेरिएबल पहले आता था तो ये फिर एक्स का कांस्टेंट होगा या वाई का कांस्टेंट होगा। तो 3x-y हो गया इज इक्वल टू ऊपर वाला पहली इक्वेशन का होता था जो कि ये ऊपर वाली इससे बनेगी, तो ये 0 हो गया, C10 हो गया ना इधर। अब नीचे वाली इक्वेशन फिर वैसे बना लें, 2x का होगा, ये y का होगा इज इक्वल टू 5। 3x-y इज इक्वल टू 0, 2x+y इज इक्वल टू 5, बिल्कुल ठीक है जवाब। दूसरा पार्ट करते हैं, उसमें है -5, 3, 3-2 इंटू x y इज इक्वल टू 2-1। अब x का वेरिएबल ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स कि ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो x की है और x से शुरू होती है। x से शुरू होने से मुराद है कि उसमें पहले जो ये वाला ना ये x का कांस्टेंट है। तो -5x, अगर पहला x का दूसरा वाई का होगा, 3y इज इक्वल टू 2, ये इसका 2 इसके साथ आ गया, तो इधर भी x पहले आएगा, तो 3x-2y इज इक्वल टू -1। बिल्कुल ठीक है जवाब। अब तीसरा वाला पार्ट करते हैं, वो है -4, 1, 5, 4, x y इक्वल टू 1-1। अब x का वेरिएबल ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये x का कांस्टेंट होगा, x का वेरिएबल पहले आता है ना, तो ये x का कांस्टेंट होगा। तो -4x, फिर ये y का होगा, +y इज इक्वल टू ऊपर वाला वो पहली इक्वेशन का C1, और नीचे 5x+4y इज इक्वल टू -1। बिल्कुल ठीक है। अब चौथा पार्ट, उसमें है 1/2, 3/2, 1/4, 3/4 इंटू x y इज इक्वल टू 1/2, 3/4। x ऊपर है ना, तो ये x का कांस्टेंट होगा। 1/2x+3/2y इज इक्वल टू 1/2, और 1/4x+3/4y इज इक्वल टू 3/4। मैं जवाब देख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है जवाब। अगला सवाल देखते हैं, उसमें कहते हैं कि दो इक्वेशंस हैं, 4x-9y इज इक्वल टू 4 और 2x+ky इज इक्वल टू 7। इनको ना मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें। x पहले आ रहा है, ओके, बल्कि कॉन्स्टेंट्स को पहले लिखते हैं, 4-9, 2k। अब x का वेरिएबल पहले आता है तो इधर x पहले y बाद में इज इक्वल टू 4 और 7। ये काम आपका हल हो गया, चेक कर लें। बुक में जो है ना इसका उल्टा लिखा है उन्होंने, ये इक्वेशन ऊपर लिखी है, ये नीचे लिखी है, लिहाजा उनका जो आंसर बनता है ना वो 2k
4 minus 9, और x y इक्वल टू 7 और 4, यानी कि उल्टा हो गया सारा कुछ. लेकिन ये चीज़ उल्टी नहीं होती, ये चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि पहले वेरिएबल कौन सा लिखा है. लिहाजा ये देखें, ये सेम है, बाकी उल्टा हो गया. ये भी ठीक है, ये भी जवाब ठीक है. अब वो ये कहते हैं कि अगर ये वाला अददी सरों का कालब, यानी कि ये वाला जो कॉन्स्टेंट्स का कोफिशेंट्स का जो बना था ना मैट्रिक्स, वो अगर नादर कालब हो तो एक्स की कीमत मालूम करें. तो अगर ये नादर कालब होगा तो इसका मतलब ये होगा ना कि 4k-9 2, ये इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा. तो ये क्या आएगा, 4k-9 2s are 18, और -18 तो ये माइनस मिलके प्लस हो गया. के इज इक्वल टू -18/4 -9/2. अब मैंने अपने अपने मतलब जो मैंने आंसर लिखा था उससे जवाब निकाला है -9/2, जो कि ठीक है. अगर इससे निकालेंगे ये आपका आंसर आ रहा हो, आपने इनको उल्टा लिखा है क्वेश्चंस को, तब भी जवाब ठीक है. वो देखें किस तरह के 2 9 k 4 इक्वल टू 0, तो क्या होगा 18 -4k इक्वल टू 0, जिसका क्या मतलब है कि 18 इज इक्वल टू 4k और 4k इज इक्वल टू 18. तो सॉरी, मैं यहाँ निशान भूल गया माइनस का, तभी मेरा देख रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है. तो ये होगा -18 -4k = 0, जिसका क्या मतलब हुआ कि -4k = 18, k = -18/4, वही -9/2, दोनों केसेस में सेम जवाब आया. क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि बहुत सारी मसवातों के सेट्स दिए हुए हैं कि उनको कालबों की मदद से हल कीजिए, और अगर हल ना हो तो वजह बयान कीजिए. पहला वाला है x-y = 7, x+y = 11. तो इसके कालब बनाते हैं 1-1 1 1 इंटू x y = 7 11. तो इसको a कह लें, इसको x कह लें, इसको b कह लें. तो ax = b, x = a inverse into b. a inverse क्या होगा, adjoint of a over a का matrix. अब into b भी साथ ही लगा देता हूँ x. तो ये क्या होगा, adjoint of a क्या होगा, इनकी जगह बदलते हैं, इनके साइन बदलते हैं, ठीक है, ओवर एक. अब अपने अब वो लेना डिटर्मिनेंट, मैं इधर ही ले लेता हूँ. ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिस इंटू दिस 1 माइनस दिस इंटू दिस, तो --+1, तो 2 आ गया, इंटू 7 11. अब आमतौर पे आप ये पहले निकालते हैं फिर इस इक्वेशन में डालते हैं, मैंने सारा इकट्ठा ही कर दिया. देखिए आपको समझ आ गई होगी ना, क्योंकि ये 1 वाली थी, मैंने कहा चलो टाइम बचा लेते हैं. तो अब दो कॉलम्स हैं, दो रोज हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है. तो 1 × 7 7 + 1 × 11 11, और नीचे -1 × 7 -7 + 1 × 11 11 / 2. तो ये आ गया जी 18, और नीचे आ गया 4, ये x है ना, तो ये किसके बराबर है, 18/2 और 4/2, जो कि आ गया 9/2. तो x बराबर है x y के, जो कि बराबर है 9/2 के. तो x 9 आ गया, y 2 आ गया. ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट करते हैं.
उसमें जो इक्वेशंस का सेट दिया हुआ है वो 3x + 2y = 7 और 5x - y = 3। तो इनके मैट्रिसेस बनेंगे 3, 2, 5 - 1, x, y = 7, 3। इसको ए कहते हैं, इसको एक्स, इसको बी। तो ax = b, तो x = a इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट वो कैसे आएगा, उसके लिए दिस इंटू दिस -3 माइनस दिस इंटू दिस जो कि 10 आता, -13 आ गया। लिहाजा ये नॉन ज़ीरो है तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना। अब ए इनवर्स क्या हो गया, वो हो गया जी एडजॉइंट ए का, वो क्या है लिख लें पहले एक दफ़ा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -1, 3, -2, -5 ओवर डिटर्मिनेंट जो कि -13 है। तो एक्स की कीमत क्या है, ये तो ये क्या आया, 1 - 1/13 इंटू -1, -2, -5, 3 इंटू बी, बी है 7 और 3, वही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। -1/13 इंटू -7 इंटू -6 और नीचे -35 + 9। -1/13 इंटू -13 और ये आएगा -26, ये आएगा जी -13 इंटू -1/13 -26 इंटू -1/13। तो ये आ गया 1, यहाँ पे 2। तो x = x और y जो कि 1 और 2 आते हैं, लिहाजा x 1 है, y 2। बिल्कुल ठीक है। तीसरा वाला पार्ट करते हैं, 3x + 2y = 7 और 6x + 4y = 14। तो 3 2 6 4। आप देख रहे हैं, कोई बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस तरतीब देखते हैं और लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसको ए कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं, इसको बी। तो ax = b, तो x = a इनवर्स इंटू b। तो ए इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो क्या होगा, 4 इंटू 3 = 12 -6 इंटू 2 = 12। भाई ये तो ज़ीरो आ गया, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ये पॉसिबल नहीं है, लिहाजा इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन सेट नहीं निकाल सकते। (3x = 3 - 4y) (2y = x + 2/3)। अब आपने देखें इधर तरतीब में नहीं लिखा हुआ, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना। तो 3x - 4y को उधर ले जाता हूँ, +4y = 3। आप ये देखें यहाँ पे 2y है, तरतीब में मैं x को पहले लिखने का इरादा किया, तो इस x को इधर लेके आऊँगा, तो -x + 2y = 2/3। अब मैं इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 - 1 = 4 2। एक्स पहले आता है, वाई बाद में, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, (3/2/3)। तो ये ax = b, (x = a inverse into b)। आप ए इनवर्स के लिए पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो क्या आएगा, 3 इंटू 2 = 6,
3 into 2 6 minus 4 into 1 क्या होता है, 4 into minus 1 minus 4, तो ये minus minus 4 plus 4 हो जाएगा 10, जो कि नॉन ज़ीरो है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, 2 माइनस 4 3 1 डिवाइडेड बाय 10। इधर क्या आएगा, 3 और 2 बाय 3, तो ये आ जाता है जी 1 ओवर 10। इसको इसे ज़रब दें तो 2 इंटू 3 6 प्लस माइनस 4 इंटू 2 बाय 3 माइनस 8 बाय 3, और नीचे आएगा 3 प्लस 2, 3 को इसे ज़रब देंगे तो 2 आ जाएगा 1 ओवर 10। अब ये 6 माइन इसको हल कर लेते हैं, 6 माइनस 8 ओवर 3, ये आएगा 3, 18 माइनस 8 ओवर 3 जो क्या आएगा 10 बाय 3, 10 बाय 3 इधर 5, ये आ रहा जी 10 ओवर 3 इंटू 1 ओवर 10, इधर 5 इंटू 1 ओवर 10, तो ये आता है 1 ओवर 3 5 1 ओवर 2 सॉरी। तो x इज इक्वल टू x और y जो कि है 1 ओवर 3 1 ओवर 2, x है 1 ओवर 3 y है 1 ओवर 2। बिल्कुल ठीक है जवाब। पांचवा वाला पार्ट और इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, नहीं 6 पार्ट्स है सॉरी, वो है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 1। तो ये बनाएंगे तो 4 8 माइनस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 1। तो सॉरी इधर मैं x और y लिखना भूल गया, ठीक है। तो ये a है, ये x है और ये b है। x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, तो a इनवर्स के लिए पहले a का डिटरमिनेंट निकालते हैं, वो क्या होगा, 4 इंटू माइनस 10 माइनस 40 माइनस दिस इंटू दिस, वो क्या होगा माइनस 40, ठीक है, माइनस 40 प्लस 40 जो कि 0 है, लिहाजा इसका नामुमकिन है। छठा वाला पार्ट वो है x ओवर 2 प्लस y ओवर 3 इज इक्वल टू 4, और x प्लस y ओवर 6 इज इक्वल टू 2। ये आएगा जी 1 बाय 2 1 बाय 3 1 1 बाय 6 इंटू x y इज इक्वल टू 4 और 2। तो ये a हो गया, ये x हो गया, ये b, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स के लिए a डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं, वो है 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 6 1 बाई 12 माइनस 1 बाई 3, ये क्या आएगा 12, 1 माइनस 4 माइनस 3 ओवर 12 जो कि माइनस 1 बाई 4 आता, जो कि नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू आएगी, a इनवर्स इंटू b जो क्या है a एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट इंटू b, तो एडजॉइंट ऑफ ये क्या आता है माइनस 1 बाई 4। पहले एडजॉइंट लिखता हूँ मैं, 1 बाई 6 1 बाई 2, ये इनके साइन बदल दिए, ठीक है। अब बी नीचे लिखता हूँ, बी 7 सॉरी 4 2, और नीचे मुझे 1 ओवर 1 बाई 4। अब ये इसको, ये चूंकि खुद भी फ्रैक्शन है, इसको जब मैं इस लेवल पे लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 बाई 6
minus 1 by 3 minus 1, 1 by 2 into 4 or 2. अब जी प्रोसेस सीधा साधा इनको मल्टीप्लाई करने का, 1 बाई 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बाई 6 प्लस दिस इंटू दिस, अब ये माइनस का साइन आएगा, माइनस 2 बाई 3 यहाँ पे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 4 माइनस दिस इंटू दिस जो कि 1 आएगा, माइनस 4 इंटू 4 बाई 6 माइनस 2 बाई 3 क्या होता है, 4 बाई 6 क्या है 2 बाई 3 आता है ना, तो 2 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 ये 0 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, इसको इससे ज़रब दूंगा तो ये दोबारा 0 हो जाएगा और प्लस 20, तो x इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू 0 और 20, जिसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 20। होपफुली जवाब ठीक होगा, गलत है जी, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 12, मैंने मल्टीप्लिकेशन में कहीं गलती की है, इधर 3 होना चाहिए, कैसे आएगा, गलती मैंने यहाँ पे की है कि यहाँ पे प्लस का साइन आता है तो ये माइनस 3 आएगा, तो माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12 होगा, तो ये प्लस 12 होगा, माजरा चाहता हूँ मेरी गलती थी। अब अगला वाला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कलर चेंज करो, 3x plus 4y is equal to 18 or 2x plus 6y is equal to 22। अब आप अगर चाहें तो देख रहे 2 कॉमन है दोनों तरफ से निकल सकता है, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये इक्वेशन तो ठीक है, इसमें से हम 2 निकाल सकते हैं, तो ये x plus 3y is equal to 11 हो जाएगा ना, 2 इधर से भी निकालेंगे और इधर से भी निकालेंगे तो ये आ जाएगी, तो मैं इन दो सिंप्लीफाइड इक्वेशंस को यूज़ करना पसंद करूँगा, क्योंकि इस तरह ना वो छोटे डिजिट्स होंगे ना तो उनकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह आसान होती है, तो ये आ जाएगा 3 1 4 3, एक्स वाई इज इक्वल टू 18 और 11, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये ए है ये एक्स है ये बी है, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, अब ए इनवर्स क्या आएगा, उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो क्या आएगा, 3 इंटू 3 9 माइनस 4 जो कि 5 आएगा, लिहाजा ये नॉन ज़ीरो है लिहाजा पॉसिबल होगा, तो x की कीमत क्या आएगी कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा 3 3 माइनस 4 माइनस 1 इंटू बी, बी क्या है 18 और 11 ओवर 5, अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 इंटू 18 54 आता है मेरा ख्याल है जी, प्लस दिस इंटू दिस 44, अब ये माइनस 44 आते हैं माइनस 44 आ जाएगा, और फिर दिस इंटू दिस माइनस 18 प्लस 11 टू 3 33 डिवाइडेड बाय 5, 54 में से 44 निकालेंगे 10 आ जाएगा, 33 में से 18 निकालें 15, ये आता 2 और 3, तो x इज इक्वल टू एक्स वाई जो कि 2 3 है, लिहाजा x 2 है y 3, जवाब हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके भी 6 पार्ट्स हैं, 6 इक्वेशंस के सेट्स हैं, उन्हें कहते हैं क्रेमर के रूल से हल करें। पहला वाला है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, दूसरी है 3x प्लस 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4,
आप इसको डिटर्मिनेंट में लिखें, 5, 2, 3, -1 इंटू एक्स और वाई इज इक्वल टू 1, -4। वन माइनस फोर ये ए है, एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए का आप डिटर्मिनेंट निकालें ताकि पता चले हम हल कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये आएगा -5, -6 जो कि -11 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है जी, आप जनाब एक्स की कीमत आती है, उसे वो d1 कहते हैं ओवर ए का डिटर्मिनेंट। d1 क्या होता है, पहले इसको लेते हैं ना, ऐसे मैं लिख देता हूँ, 1, -4 और इधर आता है 2, -1 ओवर -11। तो ये क्या आता है, -1 × 1 -1, माइनस दिस इंटू दिस क्या होगा 8। अब ये -8 है तो ये माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा, +8 और -11। तो ये आ गया जी 7/-11 एक्स आ गया। अब वाई के लिए क्या होता है, वाई होगा d2/a का डिटर्मिनेंट। d2 क्या आता है, उसमें एक्स वालों को पहले लिखते हैं, 5, 3 और बाद में 1 -4 ओवर -11। तो ये होगा -20, -3 और -11 जो कि -23/-11 जो कि 23/11 है। तो एक्स जो है वो -7/11 है, वाई 23/11। बिल्कुल ठीक है जवाब हमारा। अब पार्ट टू करते हैं। पार्ट टू है 3x-6y-2 = 0 और x+5y = -5। इस पहली इक्वेशन को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 3x-6y = 2 होगी और ये पहले ही ठीक दी हुई है। इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखूंगा, 3, 1, -6, 5 इंटू x y = 2 -5। इसको मैं ए कहता हूँ, इसको एक्स और इसको बी, तो ax = b। ठीक है, अब इसमें ए का डिटर्मिनेंट और एक्स क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी। एनीवे ए का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो क्या होगा, 15, इसको ज़रा दी 15, -6 को 1 से दी -6, तो ये माइनस माइनस से मिलके प्लस हो गया, तो ये हो गया जी 21 जो कि नॉन ज़ीरो है। तो एक्स की वैल्यू आती है d1/a का डिटर्मिनेंट, d1 आता है आपका जी 2-5 और फिर ये -6, 5 डिवाइडेड बाय 21। ये आता है 5 × 2 = 10, माइनस दिस इंटू दिस क्या होगा, +30 हो जाएगा। तो ये आ गया -20/21। वाई आता है d2/a का डिटर्मिनेंट, d2 क्या होगा, ये वाले पहले आते हैं 3, 1 और बाद में ये 2-5/21, तो -15, -2, -17/21। जवाब चेक किया जाए, बिल्कुल ठीक है जवाब हमारा। तीसरा वाला पार्ट है x+3y = 4 और 2x-6y-3 = 0।
ये तो ठीक फॉर्म में है, इधर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, इसको इधर लेके जाना होगा हमें। तो एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। अब ठीक है, तो इसके बनाए ज़रा डिटर्मिनेंट, सॉरी वो मेट्रिसेस, तो ये 1 आएगा, ये 3, ये 2, ये माइनस 6 इंटू एक्स और वाई इज इक्वल टू 4 और 3। ये ए एक्स इज इक्वल टू बी, अब ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -1 इंटू 6 -6, -3 इंटू 2 6, -12 जो कि 0 नहीं है। तो एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है जनाब के d1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट। d1 क्या होता है, तो यह आएगा d1 क्या होगा, 4 3 और ये 3 -6 ओवर -12, तो आएगा -24 और -9, -12, -33 ओवर -12, जो क्या आएगा 33 ओवर 12, जो कि आता है 11/4। और वाई आएगा d2 ओवर a का डिटर्मिनेंट, d2 होता है 1 2 और 4 3 ओवर -12, तो ये आएगा 3 -8 ओवर -12, जो कि आता है -5 ओवर -12, जो कि 5 ओवर 12 होगा। तो आंसर एक्स हमारा आ गया 11/4, वाई आ गया 5/12। बिल्कुल ठीक है जवाब। अगला वाला पार्ट करते हैं, वो है 0.8x -0.6y इज इक्वल टू 1, 0.6x प्लस 0.8y इज इक्वल टू 2। ब्रैकेट की फॉर्म, सॉरी मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें 0.8 -0.6, 0.6, 0.8 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.64 आएगा, सॉरी अभी उस मैं एकदम जंप कर गया, सॉरी पहले इसको ए और बी की फॉर्म में लिखें। तो ये ए, इसको एक्स कह लें और इसको बी। तो जनाब ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो होगा जी के 0.8 इंटू 0.8 -0.6 इंटू 0.-0.6। तो ये 0.64 माइनस माइनस प्लस 0.6 इंटू 0.6, 0.36, जो कि आ जाएगा 1, जो कि नॉन ज़ीरो है। तो एक्स की क्या वैल्यू होती है, वो होती है d1 ओवर a का डिटर्मिनेंट। d1 क्या होगा हमारा, d1 होगा 1 2 और इधर से आएगा -0.6, 0.8 ओवर 1, तो वो छोड़ देता हूँ मैं। तो इसको हल करेंगे तो ये 0.8 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, तो ये माइनस इससे मिलके प्लस हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 आ जाएगा, तो ये आता है 2। वाई आएगा d2 ओवर a का डिटर्मिनेंट, d2 जो आपका होगा ना, वो पहले ये आएंगे, नीचे ये आएगा और फिर 1 और 2 ओवर 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1.6 आएगा -0.6, तो ये आ गया 1। तो एक्स है 2, वाई इज इक्वल टू 1। जवाब चेक किया जाए, बिल्कुल ठीक है। तो पांचवा वाला पार्ट करने लगे हैं इसका। पांचवा वाला पार्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6
और वाई माइनस फोर एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये नहीं है। तो इसको माइनस फोर एक्स पहले लिखें, एक्स का वेरिएबल, बाद में प्लस वाई और माइनस 14 को उधर ले जाएं तो 14। अब ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 2 माइनस 4 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 6 और 14। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए का डिटर्मिनेंट निकालने वो आएगा 3 माइनस, ये 4 2 8 होता है ना, तो माइनस 8 होगा, तो ये माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, जो कि 11 आ गया, जो कि 0 नहीं है। तो एक्स आ जाएगा डी वन ओवर ए का डिटर्मिनेंट, डी वन क्या होगा 6 14, और 2 1 ओवर 11 दिया जाएगा 6 माइनस 28 ओवर 11, तो ये आएगा माइनस 22 ओवर 11, जो कि आएगा माइनस 2। y होगा डी टू ओवर ए का डिटर्मिनेंट, डी टू क्या होगा 3 माइनस 4 और 6 14 इंटू 1 ओवर 11, यह आता है 42 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा इसके साथ मिलके, तो 24 ओवर 11, 66 ओवर 11, जो कि 6 आ गया। तो x हमारा माइनस 2 है, y हमारा 6 है, जवाब ठीक है। अब हम लास्ट पार्ट कर, लास्ट वाला पार्ट है 5x इज इक्वल टू 13 माइनस 2y और 5y इज इक्वल टू 17 माइनस 2x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें इसे, तो ये 5x माइनस 2y उधर जाके प्लस 2y इज इक्वल टू 13, ये 13 वैसे ही रह जाएगा, इसमें माइनस 2x उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, ये प्लस 5y इज इक्वल टू 17। तो मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें 5 2 2 5 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 13 17। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए का डिटर्मिनेंट निकालें 25 माइनस 4 जो कि 21 आता है, जो कि नॉन ज़ीरो वैल्यू है। एक्स होगा डी वन ओवर ए का डिटर्मिनेंट, डी वन क्या आता है 13 17, और दूसरा कॉलम होगा 2 5 का ओवर 21, तो ये आएगा 65 माइनस 34 ओवर 21, ये आता जी 31 ओवर 21। हाँ जी, अब हम y निकालते हैं, वो है डी टू ओवर ए का, मैं ए का डिटर्मिनेंट, डी टू क्या होगा, पहले ये कॉलम आएगा 5 2, बाद में ये 13 17 ओवर 21, तो 17 को 5 से ज़रब देंगे 85 आएगा, माइनस 26 ओवर 21, ये आता है जी 59 ओवर 21। सो x है 31 ओवर 21, y है 59 ओवर 21, जवाब चेक किया जाए बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी और ये यूनिट भी ख़त्म हो गया। हम इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो में यूनिट 7 शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।